मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह जिनकी मिशकातुल मसाबी पर एक शरह है मिरकात, उसमें उन्होंने लिखा इस दुआ के ज़ेल में, इस दुआ के नीचे, कि ये दुआ हमें बताती है कि जब हालात नया करवट लें, ज़माना ज़माने की गर्दिश नई करवट ले, यानी ज़माना बदले, साल बदलता है, महीना बदलता है, तो उस मौके पर अल्लाह से मांगी जाने वाली दुआएं ज़रूर कबूल होती है। इसीलिए नबी अलैहिस्सलाम ने यह दुआ हमें सिखाई है। इसलिए नया साल शुरू हो रहा है, ये दुआ याद कर लें, बहुत छोटी दुआ है, मुख्तसर दुआ है, इतनी जामे दुआ है, और नबी अलैहिस्सलाम की ज़बान मुबारक से निकली हुई दुआ है। हम अपने अल्फाज में वो तमाम चीज़ें नहीं समेट सकते हैं जो नबी अलैहिस्सलाम ने मुख्तसर अल्फाज में समेट दी है। तो ये दुआ नए साल के शुरू होने पर ज़रूर करें, इसमें आफ़ियत है, इसमें बरकतें हैं, इसमें सलामती है, इसमें अमन है, इसमें चैन और सुकून है, इसमें इस्लाम की बढ़ोतरी है, ईमान के इजाफे की दुआ है, और न जाने क्या क्या अल्लाह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्वास्तें की है। तो दुआ कबूल होने के मौके में से एक मौका नया साल का शुरू होना वो भी है, नया चाँद का तुलू होना ये भी एक मौका है। अल्लाह तबारक व तआला इस इस्लामी हिजरी नए साल को हम तमाम के लिए मसर्रतों का और मुल्क के लिए, मिल्लत के लिए, पूरी उम्मत के लिए मसर्रतों और ख़ुशियों का पैगंबर बना दे, और हमारे इनफरादी, इज्तिमाई, मुल्की, मिल्ली, आलमी जितने भी पेचीदा मसाइल हैं, परेशानियाँ हैं, अल्लाह उन सब के हल का और ख़त्म होने का ज़रिया बना दे, और एक नए जज्बे के साथ हम इस नए साल को, हिजरी साल को शुरू करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। रब्बी व रब्बुकल्लाह दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिही व सहबिही वसल्लम तस्लीमा। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और अज़ीज़ दीनी भाइयों, आज इस्लामी तारीख ज़िलहिज्जा की 29 तारीख, ज़िलहिज्जा इस्लामी साल का आखिरी महीना है, और उसके बाद जो महीना मुहर्रमुल हराम का है वो नए इस्लामी साल के शुरू होने का महीना है। जब कोई भी नया साल शुरू होता है तो दो बातें ख़ास तौर पर गौर व फ़िक्र करने वालों के जहनों में आती है। एक बात तो ये कि इस्लामी नया साल हिजरी क्यों कहा जाता है, इस्लामी साल को हिजरी साल क्यों कहा जाता है। जैसे जनवरी से शुरू होने वाले साल को, कैलेंडर को अंग्रेज़ी कैलेंडर कहते हैं, इसी तरह हमारे यहाँ हिंदुस्तान में पुराना जो अवाम में आज भी राइज है कैलेंडर जंतरी बिक्रमी, जिसे कैलेंडर कहते हैं, तो वो बिक्रमी से मंसूब है। तो इस्लामी साल को हिजरी साल क्यों कहा गया है, एक ये सवाल जहनों में आता है। दूसरी बात ये आती है कि हम नया साल किस तरह शुरू करें, नए साल का आगाज़ शुरुआत हमें किस तरह करनी चाहिए, ये बातें जहन में ज़रूर आती हैं। इसलिए इन दो सवालों के जवाब देने की आज की इस गुफ्तगू में कोशिश करूंगा। पहला सवाल ये कि इस्लामी नए साल को हिजरी साल क्यों कहा जाता है। देखिए, अरब के लोग, उनके यहाँ कोई जंतरी नहीं थी, कोई ख़ास कैलेंडर नहीं था, वो किसी साल में कोई अहम वाक़या पेश आ जाता था तो उस वाक़े को बुनियाद बनाते थे और उस साल को उस वाक़े से जोड़ देते थे। जैसे मशहूर वाक़या है कि उस वक्त का एक बड़ा बादशाह था अब्राहा,
उसको गुस्सा आया और उसने अल्लाह के घर बैतुल्लाह खाना काबा पर हमला करना चाहा और उसको गिराना चाहा, तो अपने यहाँ से हाथियों का लश्कर लेके आया। हाथियों का लश्कर, हाथी ये अरबों के लिए बिल्कुल अनोखी चीज़ थी। तो जिस साल ये वाक़या पेश आया, उस साल जितने भी कोई वाक़े पेश आए, कोई बात पेश आई, उसको बयान करना होता था तो कहते थे फलां बच्चे की पैदाइश हाथियों वाले साल पेश आई, फलां वाक़या हाथियों वाले साल पेश आया। जिसे नबी अलैहिस्सलाम के बारे में आप सीरत की किताबों में जब मालूम करना चाहेंगे कि आपकी पैदाइश कब हुई, आपकी विलादत बासआदत कब हुई, तो आपको मिलेगा कि हाथियों वाले वाक़े से या साल के दो महीने बाद। उसकी तरफ जोड़ दिया। इसी तरह अरब के लोग मुख्तलिफ सालों में पेश आने वाले वाक़यात से उस साल को याद करते थे। हमारे यहाँ भी यही था आम तौर पर। हमारे यहाँ गांव देहातों में आप जाइए, कोई वाक़या पेश आया तो कहेंगे 56वां का अकाल जो पेश आया था उसके दूसरे साल फलां की पैदाइश हुई थी। हमारे गांव में सबसे पहले कि लाइट आई थी उस साल ये वाक़या पेश आया था। लाइट का आना एक बड़ा वाक़या हो गया गाँव वालों के लिए, रास्ता बन गया, या कोई 65 की जंग, 71 की जंग, लोगों के लिए यही बड़ा अहम वाक़या था। तो बाद में पेश आने वाले वाक़यात को उससे जोड़ देते थे। नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में भी यही चलता रहा। बद्र का वाक़या पेश आया तो बद्र के बाद जो भी कोई बात हुई उसको बद्र से जोड़ देते थे कि बद्र वाले साल ऐसा हुआ था, उहद वाले साल, अहज़ाब वाले साल, शेब अबी तालिब वाले साल ये बात पेश आई। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक का ज़माना भी बहुत मुख्तसर था, 2-2.5 साल। जब हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत का ज़माना आया तो एक लंबा ज़माना मिला और इस्लाम को बहुत मजबूती मिली, कुव्वत मिली, बाकायदा हुकूमत और खिलाफत के सेक्रेटरेट कायम हुए, शोबे कायम हुए, और जो चीज़ें होती है वो महफूज करके रखी गई, रिकॉर्ड तैयार किए गए। उस मौके पर ये ज़रूरत पेश आई कि हमारा नया साल होना चाहिए, उससे हम किसी भी वाक़े को जोड़ें। और वजह ये पेश आई थी कि हज़रत उमर फ़ारूक के गवर्नर थे हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उनको हज़रत उमर फ़ारूक ने एक आर्डर लिखा, ख़त लिखा, उसमें एक आर्डर दिया कि ऐसा करना है अपने इलाके में। उसमें शाबान लिखा था, शाबान, बस शाबान के महीने में। अब हज़रत अबू मूसा अशअरी के पास ये ख़त पहुंचा तो वो तज़ज़्ज़ुब में पड़ गए कि क्या करूं, शाबान से कौन सा शाबान मुराद है, पिछले साल का, इस साल का, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब तक करना है। तो उन्होंने वापस ख़त लिखा कि अमीरुल मोमिनीन, हमारा ख़ुद का एक साल होना चाहिए, और आपका आर्डर आपने किस दिन जारी किया, कब रवाना किया गया, हम तक कब पहुंचा, ये कब नाफिस करना है, लागू करना है, और कब से कब तक इस आर्डर को बाकी रहना है, ये सब मालूम होना चाहिए। इसलिए हमारी ख़ुद की एक तारीख हो, जंतरी हो, कैलेंडर हो। हज़रत अबू मूसा अशअरी की ये बात और ये राय हज़रत उमर को बहुत पसंद आई। चुनाचे हज़रत उमर ने अपनी कैबिनेट जो है वो बुलाई, मशवरे जिससे जिनसे लेते थे, जिन हजरात से, उनको बुलाया और उनके सामने ये राय रखी। उन सब को ये राय पसंद आई कि हाँ, हमारा नया साल होना चाहिए, हमारी खुद की जंतरी होनी चाहिए। अब हमारी जंतरी की शुरुआत किससे करें, उसको क्या नाम दें, तो इसमें मुख्तलिफ राय आई। किसी की राय यह थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत को यादगार बनाया जाए, यानी साल नबवी साल, विलादत का साल ये कहा जाए, हुजूर की विलादत का साल, जैसे हिजरत का साल कहा जा रहा है, विलादत का साल। किसी ने राय दी कि नहीं, जब आप सल्लम को नबुव्वत अता की गई उससे हमारे साल को जोड़ दिया जाए और नबवी साल कहा जाए।
किसी ने कहा कि नहीं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात जब पेश आई उससे हमारी जंतरी को जोड़ा जाए और हुज़ूर की वफ़ात वाले साल से साल को याद रखा जाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की राय थी। हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मामूल था कि सबसे राय लेते थे, मशवरा लेते थे, हज़रत अली से सबसे अखीर में मशवरा लिया करते थे। हज़रत अली की राय और मशवरा बहुत ठीक होता था, सटीक होता था बिल्कुल, तो अक्सर फैसले उनकी राय पर हुआ करते थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जब राय ली गई तो हज़रत अली ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, मेरी राय यह है कि इन सब वाक़ियात से हमारी जंतरी की शुरुआत न की जाए, बल्कि हमारी जंतरी और हमारे साल का आगाज़ उस वाक़े से किया जाए जो वाक़या हिजरत का कहलाता है। इसलिए कि हिजरत नाम है क़ुरबानियों का, हिजरत नाम है अल्लाह के लिए, रसूल के लिए, दीन के लिए, शरीयत के लिए क़ुरबानियाँ पेश करने का। हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के ग़ुलाम इस दुनिया में पाने के लिए नहीं आए, बल्कि दीन और शरीयत के लिए क़ुरबानियाँ देने के लिए आए। दूसरी कौमें उनकी तारीख़ आप पढ़ें, हिस्ट्री पढ़ें, उनकी जंतरी की, कैलेंडर की, तो आपको ये मिलेगा उन्होंने अपने कैलेंडर की बुनियाद किस पर रखी। उनको कोई चीज़ मिल गई, कोई नेमत हासिल हो गई, मुखालिफों पर फतह हासिल हो गई, कामयाबी हासिल हो गई, तो वहाँ से अपने कैलेंडर का आगाज़ कर दिया। जैसे बिक्रमी साल है, जैसे सावन चल रहा है, बिक्रमी साल का साल है, सावन भादु, ये जो आवाम याद रखते हैं बिक्रमी साल है। राजा विक्रम उज्जैन का था, MP का, उसको अपने मुखालिफ पर जीत हासिल हुई, उस जीत और फतह को उसने यादगार बनाने के लिए इस कैलेंडर का आगाज़ कर दिया। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि हम सबसे अलग मुनफरिद कौम हैं, हम तो क़ुरबानियाँ देने के लिए आए हैं, दीन के लिए, अल्लाह के लिए, रसूल के लिए, इसलिए हमारी जंतरी का आगाज़ ऐसे वाक़े से किया जाए जो हमें हमेशा क़ुरबानी की याद दिलाता रहे, हमेशा हमें दीन के लिए, शरीयत के लिए, इस्लाम और ईमान के लिए क़ुरबानी की याद दिलाता रहे, ऐसे वाक़े से आगाज़ होनी चाहिए। और फिर उन्होंने ये कहा कि हमने क़ुरबानियाँ बहुत दी, मक्के में क़ुरबानियाँ दी जाती रही, इज़्ज़त की क़ुरबानी, आबरू की क़ुरबानी, माल की क़ुरबानी, जान की क़ुरबानी, वक्त की क़ुरबानी, जवानी की क़ुरबानी, अपनी ख्वाहिशात, अपने जज्बात की क़ुरबानी, यहाँ तक के खून भी पेश किया गया। सबसे पहले मक्के में बहने वाला खून एक औरत का था, हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का। हज़रत ख़ब्बाब को सताया गया, खुबैब को सूली पर लटकाया गया, बिलाल को तपती हुई रेत पे लिटाकर सीने पर भारी चट्टान और पत्थर रखा गया, नबी अलैहिस्सलाम को सताया गया, आपको साहिर और जादूगर कहा गया, आपको नऊज़ बिल्लाह मजनून और पागल कहा गया, आपको पता नहीं किस किस तरीके से ईज़ाएँ दी गई, तकलीफ़ी दी गई, आपकी वजह से आपकी बेटियों को तलाक दी गई, आपके कंधे पर ओझड़ी डाल दी गई, सजदे में है गंदगी डाल दी गई, रास्ते से आ रहे हैं औरतें कांटे बिछा रही हैं, और नमाज पढ़ते हुए आपको, आपका गला घोंटने की कोशिश की जा रही है। ये सब कुर्बानियाँ थी जो मक्के में पेश की जा रही थी। लेकिन हज़रत अली ने कहा कि हमारे लिए सबसे बड़ी कुर्बानी ये थी जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल्लाह को छोड़ना पड़ा, खाना काबा से जुदाई की इख्तियार करनी पड़ी, मक्के मुकर्रमा को छोड़ना, यही हिजरत कहलाता है। जब मक्के मुकर्रमा को आप सल्लम छोड़ने पर मजबूर हुए, यह सबसे बड़ी कुर्बानी थी। इसलिए कि नबी अली सलाम को मक्का से जो ताल्लुक़ था, बैतुल्लाह से जो रब्त था, अल्लाह के घर से जो इश्क और जो मोहब्बत थी, कि आप कितने भी लोग सताते थे जब आकर बैतुल्लाह का दीदार कर लेते थे, सारे गम भूल जाया करते थे, जब हजर असवद को चूमते थे, जब खाने काबा की दरो दीवार से चिमटते थे, सारी तकलीफ़ें भूल जाया करते थे, जब मकाम इब्राहिम, सफ़ा व मरवा, इब्राहिम और इस्माईल अलैहिस्सलाम की जो यादगारें हैं इनको देखते थे, सारे गम भूल जाया करते थे। और जब नबी अलैहिस्सलाम को इनके छोड़ने पर मजबूर किया गया तो ये बहुत बड़ी क़ुरबानी थी। यही वजह आप सीरत उठाकर देख लें नबी अलैहिस्सलाम की, के
किसी भी कुर्बानी पर आप रोए हों, आपकी आंखों में आंसू आए हों, इस तरह जिस तरह इस मौके पर हिजरत के मौके पर आए हैं, आपको नहीं मिलेगा। आपकी ज़िंदगी में, आपकी सीरत में लिखा है, नबी अलैहिस्सलाम हिजरत करने पर मजबूर हैं, निकले हैं, दो कदम आगे बढ़ाते हैं फिर पीछे मुड़कर देखते हैं, बैतुल्ला को देख रहे हैं, आंखों में आंसू रवा हैं, आंसू जारी हैं, और कह रहे हैं लौला अन्न कौमी अखरजूनी मा तरक्तु जिवारकी, ए काबा मेरी कौम के लोग अगर मुझे यहाँ से निकलने पर मजबूर न करते तो मैं कभी तेरा पड़ोस छोड़ने के लिए तैयार न होता। ये कहते हुए जा रहे हैं, आंखों से आंसू हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा सबसे बड़ी कुर्बानी यही हिजरत की कुर्बानी थी, इसलिए अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा आप हमारे नए साल की शुरुआत हिजरत से कर दीजिए, ताकि जब नया साल शुरू हो, जब नया साल शुरू हो तो हमारे मुसलमानों और ईमान वालों के अंदर ये जज्बा आए कि हमें तो अपने दीन के कुर्बान, दीन के लिए कुर्बानी देनी है, शरीयत के लिए कुर्बानी देनी है, अल्लाह उसके रसूल के लिए कुर्बानी देनी है, और इसीलिए अल्लाह ने हमें इस दुनिया में पैदा फरमाया है। कुंतुम खैरा उम्मा उखरिजत लिन्नास तामुरून बिलमारूफ व तनहून अनिल मुनकर, तुम लोगों के लिए निकाले गए हो, उसके लिए तुम्हें कुर्बानी देनी है, तुम्हें भलाइयों का हुक्म देना है, बुराइयों से रोकना है। ये कुर्बानी नबी अलैहिस्सलाम ने दी थी और उसी वजह से सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ रही थी। तो एक बात ये वाज़े हो गई कि हमारे नए साल या हमारी जंतरी और हमारी कैलेंडर का आगाज़ हिजरत से क्यों किया गया, नबूवत से क्यों नहीं किया गया, विलादत नबी अलैहिस्सलाम की विलादत से क्यों नहीं किया गया, या आपकी वफ़ात से क्यों नहीं किया गया। दूसरी बात जहन में ये आती है कि जब नया साल शुरू हो रहा है तो फिर हमें क्या करना चाहिए। जनवरी वाला साल शुरू होता है तो उस वक्त भी लोगों के जहनों में यही बात आती है, हमारा जो कैलेंडर है, हमारी जंतरी है, वो हिजरत से, इस मुहर्रम से शुरू हो रही है, तो उस मौके पर भी जहनों में ये बात आती है कि हमें क्या करना चाहिए। तो इसमें भी हमें नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में रहनुमाई मिलती है और राहबरी मिलती है। हदीस में आया, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नया चाँद देखा करते थे, जब आप अलैहिस्सलाम नया चाँद देखा करते थे तो आपका मामूल था कि नए चाँद को देखकर एक दुआ पढ़ा करते थे। कान इज़ा रअल हिलाल यकूलु अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्नि वल अमानि वस सलामति वल इस्लामि रब्बी व रब्बुकल्लाह, ए अल्लाह इस नए चाँद को हम पर तुलू फरमा, इस नए चांद को हम पर जाहिर फरमा, किसके साथ, अमन के साथ, चैन के साथ, सुकून के साथ, सलामती के साथ, अमान के साथ, इस्लाम के साथ, ए चांद तेरा रब भी अल्लाह है, मेरा रब भी अल्लाह है, तू भी उसी के हुक्म का पाबंद है, मैं भी उसी के हुक्म का पाबंद हूँ। तो इस दुआ से हमें ये रहनुमाई मिलती है, ये इशारा मिलता है कि नए साल की शुरुआत में हमें आइंदा साल के लिए प्लानिंग करनी चाहिए कि नया हमारा आने वाला साल किस तरह अमन से गुजरे, चैन और सुकून से गुजरे, सलामती के साथ गुजरे, आफियत के साथ गुजरे, और इस्लाम और ईमान में इजाफे और बढ़ोतरी के साथ गुजरे। ये बात बहुत अहम है कि नया साल हम शुरू करें तो हमें इस बात की फिक्र हो कि पिछले सालों से ज़्यादा हमारी नेकियां आइंदा आने वाले साल में हो, पिछले साल से ज़्यादा खैर आने वाले साल में हो, पिछले साल के ईमान से ज़्यादा हमारे ईमान में इजाफा हो। ईमान में इजाफे की दुआ नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं और अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाएं नबी अलैहिस्सलाम के ईमान का लेवल, ईमान की सतह क्या होगी, हम सोच भी नहीं सकते हैं कैसा मजबूत ईमान रहा होगा, फिर भी नया चांद देख रहे हैं तो दुआ कर रहे हैं अल्लाह मेरे ईमान में इजाफा फरमा। तो यहीं से इशारा मिलता है कि नया चांद और नए साल के मौके पर हमें अपने अल्लाह से
नया ईमान मांगना चाहिए, नया इस्लाम मांगना चाहिए, एक नया जज्बा मांगना चाहिए, दीन और शरीयत के लिए कुर्बानी देने का एक नया हौसला अल्लाह ताला से मांगना चाहिए। अपने ईमान की बढ़ोतरी, अपने ईमान में इजाफे और अपने ईमान में कुव्वत और मजबूती अल्लाह ताला से मांगना चाहिए और उसकी फ़िक्र करनी चाहिए। इसलिए कि नबी अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि जिस तरह कपड़ा मैला हो जाता है और पुराना हो जाता है, इसी तरह ईमान भी पुराना हो जाता है। कपड़ा पुराना हो गया, साबुन के ज़रिए से, सर्फ के ज़रिए से उसको धुलने की और साफ़ करने की और नया पन लाने की कोशिश करते हो, तो कहा कि अब तुम्हारा ईमान भी कमज़ोर होता रहता है, उसकी भी तजदीद करना चाहिए, उसमें नयापन लाना चाहिए, उसमें भी मजबूती की फ़िक्र करनी चाहिए। और वो कैसे होगा, साहबा ने पूछा, तो अल्लाह के नबी ने कहा बिज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह के ज़िक्र से। अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की अजमत, अल्लाह के एहसानात, अल्लाह के इनामात, अल्लाह की नेमतों को याद करके अपने ईमान में इजाफा करना चाहिए। तो एक बात नए साल के मौके पर हमें ये करनी है, चूँकि नया साल शुरू होता है तो आप देख लीजिए नई डायरियाँ छप के आती है, उसमें सारी प्लानिंग होती है। और जो लोग बड़ा कुछ करना चाहते हैं, जिनके सामने हदफ होता है, कोई गोल होता है, कोई मकसद होता है, तो उनके अपनी ज़िंदगी को मैनेज करते हैं, उनके यहाँ सब फिक्स होता है कि इस महीने फ़लाँ काम करना है, फ़लाँ ऑफिसर से मुलाकात करनी है, फ़लाँ मैनेजर से मुलाकात करनी है, फ़लाँ कस्टमर से ये बात करनी है, और फ़लाँ महीने में ये करना है। वो अपना पूरा मंसूबा करते हैं, पूरी प्लानिंग बनाते हैं। डायरियाँ इसीलिए नए साल के मौके पर छप के आती हैं और उसमें कुछ नए नए पैगाम लिखे हुए होते हैं। तो इस्लामी नए साल के मौके पर भी हमें अपने ईमान के सिलसिले में प्लानिंग करनी चाहिए कि नया साल शुरू हो रहा है, हर आदमी ये जज्बा करे, ये इरादा करे, ये जज्बा रखे कि मेरी आँखों से गुनाह हो रहे हैं, अब मुहर्रमुल हराम के महीने में आँखों से गुनाह होने वाले मैं छोड़ दूँगा, जो गुनाह होते मैं उनको छोड़ दूँगा। मुहर्रम के बाद फिर सफ़र आता है कि भाई मेरी ज़बान से बहुत सारे गुनाह होते हैं, ज़बान कैंची की तरह चलती रहती है, ज़बान के गुनाहों की वजह से अक्सर लोग जहन्नम में डाले जाएंगे, तो मैं सफ़र के महीने में अपनी ज़बान पर कंट्रोल करने की कोशिश करूँगा, इससे जो गुनाह हो रहे हैं मैं उनसे बचने की कोशिश करूँगा। फिर सफ़र के बाद रबीउल अव्वल का महीना है, रबीउल अव्वल का महीना नबी अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत का है, आपकी मुबारक पैदाइश का महीना है, तो क्या ऐसा बाबरकत महीना जिसमें नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए, आपकी विलादत हुई, आपकी आमद हुई, वो गफलत के साथ गुजर जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं अपनी गफलत को दूर करने की कोशिश करूँगा, हर एतबार से दीन में आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा। इस तरह एक एक महीने के एतबार से प्लानिंग कर लें, मनसूबाबंदी कर लें, और अपने अंदर जो कोताहियाँ हैं एक एक महीने में अगर छोड़ते चले जाएँ तो एक साल में हमारे अंदर बहुत कुछ बेहतरी आ सकती है और एक अच्छी ज़िंदगी जिसे कहिए वो हम गुजार सकते हैं। तो नए साल के मौके पर एक ये करें कि आइंदा का प्लानिंग करें, दूसरा नए साल के मौके पर पिछले साल का भी जायज़ा लेते हैं, कोई ताजिर है, कोई कारोबारी है, कोई छोटा मोटा काम करने वाला है, कि पिछले साल कितनी आमदनी हुई, कितनी लागत हुई, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना फ़ायदा हुआ, ये सब करते हैं, फिर हिसाब को क्लोज करते हैं। तो इस मौके पर हमें ईमानी एतबार से भी अपने पिछले साल का जायज़ा लेना चाहिए, और पिछले साल का जायज़ा इस तौर पर लें कि अपने गुनाहों और कोताहियों पर ज़्यादा नज़र हो, कि नेकियों पर नज़र रहेगी तो गुरूर में मुब्तला हो जाएंगे, तकब्बुर में मुब्तला हो जाएंगे, खुद पसंदीदगी में, फरेब में मुब्तला हो जाएंगे, अपनी कोताहियों पर ज़्यादा एहसास हो और आइंदा साल उन कोताहियों को दूर करने के लिए अज़्म और इरादा कर, यह होना चाहिए। यह भी नबी अलैहिस्सलाम से साबित। मुहर्रम के सिलसिले में आप हजरात सुनते रहते हैं कि आशूरा का रोज़ा, 10 मुहर्रम का रोज़ा, उसकी बड़ी फजीलत आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के में थे तो मक्के में बुत परस्ती थी, शिर्क था, मूर्ति पूजा थी, लेकिन फिर भी हज़रत इब्राहिम और इस्माइल की कुछ यादगार बातें बाकी थी। उन यादगार बातों में से एक बात यह थी कि मक्के के लोग मुशरिक होने के बावजूद 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा करते थे। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उस दिन रोज़ा रखा है।
مکے میں، اس لیے کہ آپ کا جو مزاج تھا، جو محمدی مزاج ہے، وہ یہ نہیں تھا کہ کوئی دشمن قوم ہے اس کی اچھائی ہے اس کو بھی نظر انداز کر دیں، اگنور کر دیں، نہیں، دشمن قوم مخالف قوم کے پاس اگر اچھائی ہے تو آپ اس کو ایکسیپٹ کرتے تھے، قبول کیا کرتے تھے۔ مکہ کے لوگ آپ کو ستاتے تھے، آپ کی زندگی اجیرن کی، ہجرت کرنے پر مجبور کیا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے اندر یہ اچھائی تھی کہ 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ ابراہیم اور اسماعیلی ملت کی یادگار تھی، نشان تھا، آج وسلم نے روزہ رکھا۔ پھر جب آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو آپ نے وہاں دیکھا کہ وہاں کے یہودی لوگ اس دن روزہ رکھ رہے ہیں 10 محرم کا۔ آپ نے پوچھا تم لوگ کیوں روزہ رکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کی قوم، جو ہمارے آبا و اجداد تھے، ہمارے باپ دادا تھے، ان کو فرعون کے ظلم سے نجات دی اور ان کے دشمن کو دریا میں غرق کر دیا، ملیا میٹ کر دیا، ختم کر دیا۔ ہمارے نبی پیغمبر حضرت موسیٰ نے شکرانے کے طور پر اس دن روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا۔ بلکہ روایات میں آتا ہے صحابہ کو مدینہ اور مدینہ کے اطراف میں بھیجا کہ جاؤ اعلان کرو آج کے دن، جس نے ابھی تک اعلان ہونے تک کھایا پیا نہیں ہے وہ روزے کی نیت کر لے، اب روزے سے رہے، اور جس نے کھا پی لیا ہے تو وہ بھی باقی دن روزے داروں کی طرح سے رہے، کھائے پیے نہ، یہ اعلان کیا۔ بلکہ رمضان سے کے روزوں کے فرض ہونے سے پہلے محرم کا روزہ فرض کی درجے میں تھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی صحابہ صحابیات روزہ رکھایا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے صحابہ سے کہ تم بھی روزہ رکھو۔ پھر چونکہ یہود مخالف قوم تھی اور ان سے امتیاز، ان سے ہماری الگ شناخت، الگ پہچان ضروری تھی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارادہ کیا کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو 10 کے ساتھ 1 روزہ یا 9 کا یا 11 کا ضرور ملاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال وفات پا گئی، صحابہ کرام سے پھر یہ معمول چلا کہ 10 کے ساتھ 1 روزے کا اضافہ کر دیتے تھے، ملا دیا کرتے تھے، یعنی محرم میں 2 روزے رکھا کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کی جو فضیلت بیان فرمائی، وہ فرمائی کہ احتسب علی اللہ، اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ جو عاشورہ کا روزہ رکھے گا تو پچھلے سال کے گناہوں کی معافی مل جائے گی۔ علماء نے یہاں لکھا، حضور نے یہ کیوں کہا کہ پچھلے سال کے گناہوں کی معافی مل جائے گی؟ یہ اشارہ اس طرف کہ جب نیا سال شروع ہو تو آئندہ سال کے لیے عزم، ارادہ، منصوبہ، پلاننگ کرنی چاہیے، اور پچھلے سال میں کیا کیا ہے، کیا نہیں کیا، کیا کوتاہیاں ہوئی ہے، اس کا جائزہ لینا چاہیے، اس کا حساب لینا چاہیے، اور ان کوتاہیوں کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور وہ کوتاہیاں ہماری گناہوں کی شکل میں ہوتی ہے، تو روزہ رکھ لو، اللہ تعالیٰ ان کوتاہیوں سے درگزر فرما دیں گے۔ پھر جب نیا سال شروع ہو تو اس انداز سے شروع ہو کہ ہم دعا سے شروع کریں، وہی چاند کی جو دعا ہے، نیا چاند نکل رہا ہے، اللہم اہلہ علینا بالامن والامان والسلامت والاسلام، ربی و ربک اللہ۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ، جن کی مشکات المصابی پر ایک شرح ہے مرقات، اس میں انہوں نے لکھا اس دعا کے ذیل میں، اس دعا کے نیچے، کہ یہ دعا ہمیں بتاتی ہے کہ جب حالات نیا کروٹ لیں، زمانے کی گردش نئی کروٹ لے، یعنی زمانہ بدلے، سال بدلتا ہے، مہینہ بدلتا ہے، تو اس موقع پر اللہ سے مانگی جانے والی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا ہمیں سکھائی ہے۔ اس لیے نیا سال شروع ہو رہا ہے، یہ دعا یاد کر لیں، بہت چھوٹی دعا ہے، مختصر دعا ہے، اتنی جامع دعا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی دعا ہے۔ ہم اپنے الفاظ میں وہ تمام چیزیں نہیں سمیٹ سکتے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختصر الفاظ میں سمیٹ دی ہے، تو یہ دعا نئے سال کے شروع ہونے پر ضرور کریں۔ اس میں عافیت ہے، اس میں برکتیں ہیں، اس میں سلامتی ہے، اس میں امن ہے، اس میں چین و سکون ہے، اس میں اسلام کی بڑھوتری ہے، ایمان کے اضافے کی دعا ہے، اور نہ جانے کیا کیا اللہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواستیں کی ہے۔ تو دعا قبول ہونے کے مواقع میں سے ایک موقع نیا سال کا شروع ہونا وہ بھی ہے، نیا چاند کا طلوع ہونا یہ بھی ایک موقع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس اسلامی ہجری نئے سال کو ہم تمام کے لیے مسرتوں کا، اور ملک کے لیے، ملت کے لیے، پوری امت کے لیے مسرتوں اور خوشیوں کا پیمبر بنا دے، اور ہمارے انفرادی، اجتماعی، ملکی، ملی، عالمی جتنے بھی پیچیدہ مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، اللہ ان سب کے حل کا،
और ख़त्म होने का ज़रिया बना दे, और एक नए जज्बे के साथ हम इस नए साल को, हिजरी साल को शुरू करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए।